Hi everyone, welcome you all to our channel The Unreadable Tales. So today we are here with a new story. अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नैना अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा गैप चाहती थी, कुछ टाइम सिर्फ खुद के लिए बिताना चाहती थी। वो एक रिपोर्टर है, सक्सेस पैसा सब है उसके पास। फिर कुछ दिन के बाद उसकी फ्रेंड शिवानी उससे मिलने के लिए बुलाती है। नैना सोचती है शिवानी से मिलना भी हो जाएगा और कुछ घूमना भी हो जाएगा। वैसे शिवानी की भी इसी शहर में ही घर है, लेकिन अभी फिलहाल वो अपनी दादी के घर में रहती है जो कि एक छोटा सा गांव में है। वो गांव शहर से थोड़ी दूर है। फिर नैना चल पड़ी उस गांव की तरफ। पूरा हरियाली से भरा हुआ था वो गांव। फिर कुछ दिन के बाद अचानक नैना की नज़र एक खाली घर पे पड़ी। वो घर बहुत सुंदर थी, दो मंजिल की थी और शिवानी की घर के सामने ही थी। कुछ दिन रहने के बाद पता चला कि वह घर खाली है। फिर एक दिन नैना शिवानी को बोली, कोई इतनी सुंदर घर को क्यों छोड़ के जाता है? अगर खुद नहीं रहना है तो कम से कम किसी को रेंट में दे दो। फिर शिवानी उसको समझाई कि ये घर उसकी यहाँ आने से पहले ही खाली है, कब से खाली है उसे भी नहीं पता। फिर नैना की अंदर की रिपोर्टर जाग गई। नैना सोची अगर वो इस घर के बारे में थोड़ा छानबीन करे तो क्या पता कोई इंटरेस्टिंग बात सामने आएगी तो उसे और एक प्रमोशन भी मिल जाएगी। नैना अपनी जॉब को लेकर बहुत प्राउड फील करती थी। वो कोशिश करती थी कि हमेशा सच्चाई को दुनिया के सामने लाए और जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वो भी ना जाने कितनों को जस्टिस दिलाई है। फिर अगले दिन वो आसपास के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि वो घर इसी गांव की एक रिटायर्ड स्कूल टीचर का था। 4 साल पहले वो लोग रातों रात ही वो घर छोड़कर चले गए थे। फिर कुछ पूछने पर कोई भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं, शायद कोई बताना नहीं चाहता हो। पर नैना एक बात नोटिस की थी कि सारे लोगों के मन में वो घर वालों के प्रति बहुत रेस्पेक्ट है। नैना सोची हर कोई रेस्पेक्ट करता था, पर क्या हुआ रातों रात वो लोग घर छोड़कर चले गए? ये बात नैना को चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो अब सोची कि वो खुद वो घर के अंदर जाकर देखेगी। वो अपने कैमरा लेकर घर के अंदर जाने के लिए तैयार हो गई। उसके साथ उसकी फ्रेंड शिवानी भी थी। वो मेन गेट में लगा हुआ ताला तोड़कर घर के अंदर गए। सामने से तो घर बहुत सुंदर लग रही थी, पर अंदर उतनी ही खौफनाक लग रही है। शायद बहुत दिन तक बंद रहने के वजह से ऐसे लग रही है। घर के अंदर एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल था जिसमें बहुत सारे पेंटिंग्स लगे हुए थे, पर धूल के वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। मकड़ी के जाल ने तो पूरा घर को ही अपने कब्जे में ले लिए थे। वहाँ दो बेडरूम्स, एक किचन और एक बाथरूम था। नैना सारे कमरे में गई और अच्छी से ढूंढी, पर उससे कुछ नहीं मिला। फिर एक बेडरूम में नैना को एक बड़ा सा फोटो दीवार पर टंगा हुआ मिला। शायद ये इसी घर वालों के तस्वीर है। एक 55-60 साल का आदमी, एक 50 साल का औरत, एक 19-20 साल की लड़की और एक 25-26 साल का लड़का। सबका चेहरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, लेकिन वो लड़का का चेहरा पूरा ख़राब हो गया था। शायद किसी ने जानबूझ के कांटे से पूरा स्क्रैच किया हो। फिर नैना दूसरी मंजिल की ओर बढ़ी। शिवानी की तो हालत डर के मारे ख़राब हो गई थी। वो लौट जाने को भी कह रही थी, पर नैना ठान ली थी कि वो आज इस घर के बारे में रात जान के ही रहेगी। वो ऊपर गई। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक बड़ा सा हॉल और दो बेडरूम थे।
पहले बेडरूम पे गई, वहाँ पे उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। जब वो दूसरे बेडरूम का दरवाज़ा खोली तो उसे लगा कि जो चीज़ जहाँ उस वक्त रखा हुआ था वो आज भी वही है। एक सेल्फ था जो पूरा किताबों से भरा हुआ था और उसमें बहुत सारे मेडल्स भी था। वहाँ भी नैना को एक तस्वीर मिला, पर वहाँ भी चेहरा नहीं दिख रहा था। नैना वो फैमिली की तस्वीर ले ली और वहाँ से चली आई। नैना अपनी सारी ग्रुप में वो फोटो शेयर कर दी। कुछ दिन के बाद अचानक उसे कॉल आया, एक लड़की थी। वो बोली कि ये फैमिली उसी की ही फ्लैट में रहती है। वो लड़की की शहर बहुत दूर थी, पर नैना नहीं रुकी और निकल पड़ी। वो रास्ते में सोच रही थी कि उनसे क्या क्या पूछें। उसी वक्त उसे व्हाट्सएप पे एक वीडियो मैसेज आया, उसकी कोई दोस्त ने फॉरवर्ड किया था। वो वीडियो देखकर नैना की चेहरा थोड़ा खिला उठा। ये उस वक्त की वीडियो है जब उससे पहली प्रमोशन मिली थी। कुछ देर बाद नैना वो शहर में पहुंच गई और चल पड़ी उस एड्रेस पर। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसको वो घर मिल गई। नैना ने दरवाज़ा खटखटाई, फिर एक लड़की ने दरवाज़ा खोली। उसे देख के नैना चौंक गई, क्योंकि वो वही लड़की थी जो उस तस्वीर में थी। नैना फिर बोली, जी मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं यहाँ ये जानने आई हूँ कि ये कहते कहते अचानक वो रुक गई दीवार पे एक टंगा हुआ फोटो देखकर। ये लड़का, ये तो राकेश है, नैना चौंक कर बोली। राकेश है नहीं, राकेश था, मुझे अभी भी याद है वो सब कुछ। भाई अपने सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे शहर में, मैं उनके पास घूमने आई थी। अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, फिर भाई के एक दोस्त और उनकी वाइफ ने अपनी कार में मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। भाई बाइक से हमारे आगे आगे चल रहे थे, अचानक एक लड़की स्कूटी से आई और भाई के बाइक से टकरा गई। गलती वो लड़की की थी, पर लड़की अपनी गलती नहीं मानी और भाई को मारने लगी। सारे पब्लिक भी भाई को मारने लगे। हम लोग जाके वो लड़की को समझाए, पर वो समझी ही नहीं। फिर वो भाई के अगेंस्ट केस कर दी। वो लड़की बोली कि भाई ने उसे मारा, पर भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये सब होने के बाद पुलिस ने आकर भाई को अरेस्ट कर लिया। सब भाई पे हंस रहे थे। हमने पुलिस, मीडिया सबको सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे बात का कोई भी यकीन नहीं किया। पापा भाई को बेल में लाए और उनको अपने साथ गांव ले गए। भाई इतना डिप्रेस हो गए थे कि वो अपना सारा फोटो खराब कर दिए। मैं ये एक फ़ोटो छुपा ली थी। फिर कुछ दिन के बाद भाई ने सुसाइड कर लिया। हम भी शर्म के मारे वो गांव, घर सब छोड़ के यहाँ आ गए। उसके बाद भाई का वो दोस्त हमें मिलने आए। वो बताए कि उनकी वाइफ को वीडियो बनाने की बहुत शौक था, तो उस दिन भी वो वीडियो बना रहे थे और गलती से ये सब जो भी हुआ उनके फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया। वो भी पहले देखे नहीं थे, जैसे ही उनको ये वीडियो मिला वो हमें शेयर कर दिए। पर तब क्या फ़ायदा मैडम, भाई तो चले गए थे, पापा को भी हार्ट अटैक आया था, तो हमें ये सब वहीं छोड़ दिया। ये सब बोलने के बाद वो लड़की नैना को वो वीडियो दिखाई। नैना को याद आया वो 4 साल पहले का दिन जब शिवानी उसे बोली थी, नैना तू एक बार राकेश का भी सुन ले। नैना बोली, क्या सुने, वो लड़की जो बोल रही है सच्ची होगी, लड़के होते ही ऐसे। फिर नैना ने ठान ली थी कि राकेश को अरेस्ट करवा के ही रहेगी, और वही हुआ भी। उसके बाद ही तो उसे पहला प्रमोशन मिला था। नैना चुपचाप वहाँ से उठकर चली आई। जो नैना को कभी अपने आप पे बहुत गर्व थी, वो आज खुद से नज़रें भी मिला नहीं पा रही थी। और अगले ही दिन वो अपनी रेजिग्नेशन लेटर लेकर ऑफिस पहुँच गई।